नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुंडलिनी जागरण का अनुभव कैसा होता है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से लोगों के मन में कुंडलिनी के प्रति भय है, वो उससे डरते हैं, तो लोगों के अलग अलग क्या मत हैं, क्या उनका डरना सही है, आज इस बारे में जानेंगे। कुंडलिनी जागरण के बाद या जैसे जैसे कुंडलिनी ध्यान में व्यक्ति सफल होता चला जाता है, वैसे वैसे साधक में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। जो जीवन पहले निराशा से भरा हुआ और कठिन प्रतीत होता था, वही जीवन आनंदमय और खुशहाल होने लगता है। रोज के कामों में एक नया उत्साह पैदा होने लगता है। अभी तक सुनने में आया था कि मोक्ष के लिए भोग नहीं और भोगी को मोक्ष नहीं, लेकिन कुंडलिनी की कृपा से भोग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने में भी साधक सफल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुंडलिनी में सफलता प्राप्त की है। जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं या समाज में तिरस्कृत हो जाते हैं, तो वे अपने जीवन में अकेलापन बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। उन्हें कुंडलिनी सच्चे उद्देश्य का ज्ञान कराकर उनके जीवन में नई स्फूर्ति और ऊर्जा संचार करती है। कुंडलिनी किसी को भी परिवार से अलग नहीं करती, बल्कि परिवार अच्छी तरह से देखभाल कर सके ऐसा सक्षम बनाती है। कुंडलिनी आपकी बुद्धि को तेज करती है, जिससे कि आप अपने व्यापार या व्यवसाय में सफल हो सकें। इससे विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति व एकाग्रता बढ़ने लगती है। यह अधिकारियों में प्रशासनिक योग्यता को बढ़ाती है, वैज्ञानिकों में आविष्कार की क्षमता को बढ़ाती है। व्यक्ति की हर तरह से क्षमता बढ़ाने में कुंडलिनी सक्षम है। यह व्यक्ति के अंदर रचनात्मक शक्तियों को बढ़ाती है। कुंडलिनी मन पर नियंत्रण की शक्ति देती है, इससे साधक के अंदर संयम और सहनशीलता बढ़ जाती है। कुंडलिनी के साधक संतुष्ट स्वभाव के माने जाते हैं। इन पर भौतिक आकर्षण ना के बराबर होता है, यानी पैसे कमाने की दीवानगी ना के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में कुंडलिनी के प्रति कुछ शंकाएँ हैं, जैसे कि कुंडलिनी का अभ्यास आम व्यक्ति नहीं कर सकता, कुंडलिनी सीखना नामुमकिन है, इसे सीखने से नुकसान हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में सीख सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसे गृहस्थ या सन्यासी कोई भी सीख सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सीख लिया तो घर परिवार छोड़ना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने परिवार में रहकर पूरे परिवार के साथ भी इसे सीख सकते हैं। आशा है ये बातें आपके ज्ञान बढ़ाने में सहायक होंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।